प्रमेचार कथन एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है, ज्ञात है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, AB उसकी एक जीवा है तथा M जीवा का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है कि OM लंब है AB से। रचना O को A और B से मिलाइए। उत्पत्ति त्रिभुज OMA और तथा त्रिभुज OMB में। सबसे पहले हम देखते हैं इनकी त्रिज्याएं OA बराबर OB। ये जो दोनों त्रिज्या है वो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। हम दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि AM और MB बराबर है, ये प्रश्न में दिया है, प्रश्न अनुसार ये दिया है। उसी तरह से हम यहाँ पे दोनों त्रिभुज में OM और OM दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है ये, तो हम यहाँ लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। इस तरह से हमने देखा कि त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB से। यहाँ पे हमने सर्वांग समता का जो नियम लगाया है, भुजा 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 का सर्वांग समता के नियम से हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताया है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोण OMA बराबर है कोण OMB से। इसमें हमने सर्वांग सम सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से दोनों कोणों को बराबर बताया है। अब हम देखते हैं कि कहीं ओ एम ए और कोण ओ एम बी का योग करते हैं तो हमें 180 अंश प्राप्त होगा। ये हमने रेखीय युग्म अभी ये हमने रेखीय युग्म अभिगृहित नियम से लिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि OMA हमने ऊपर में OMA को कोण
कोण OMA को कोण OMB से बराबर बताया है, तो हम OMB के स्थान पर कोण OMA लिख सकते हैं। इस तरह से ये 180 अंश हुआ। हम कोष्टक में लिखेंगे कि कोण OMA बराबर है कोण OMB से। अब कहीं हम कोण OMA में कोण OMA का योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा कोण OMA बराबर 180 अंश, या 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा OMA बराबर 180 अंश बटा 2 बराबर 90 अंश। अतः क्योंकि कोण OMA बराबर 90 अंश आया है, तो हम कहेंगे कि OM लंब है रेखा, OM लंब है जीवा ABC से, जीवा AB से। अतः हम कह सकते हैं कि OM जो है लंब है जीवा AB पर। तो इस तरह से यह इस प्रमेय का हल होगा। आइए अब हम वृत्त, अतः यह इस प्रमेय का सिद्ध, अतः यह प्रमेय सिद्ध हुआ। आइए अब हम वृत्त के इन गुणों का उपयोग कर कुछ उदाहरण हल करते हैं।